हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक मैथ ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। मैंने इस पे ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हमारा जो कैलकुलेशंस करेंगे वो होंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन। उसमें मैं आपको 3-4 रूल्स बताऊंगी कि आप फास्ट कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल है टाइप 1 है, इसमें एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। इसमें ये जो रूल होता है ये किस टाइप की नंबर्स पे अप्लाई होता है मैं आपको बता दूँ। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 37 × 33। तो ये रूल अप्लाई होता है जब ये टेंस वाला नंबर हो, इसका जो सम होना चाहिए वो हमेशा 10 होना चाहिए और ये वाला नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 7 × 3 = 21 और इससे जो ये 3 है या कोई भी नंबर होता है इससे एक बड़ा नंबर, तो यानी 4 और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 × 3 = 12। तो 37 × 33 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 1221। अब सेकंड टाइप में आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है आपको। टाइप 2 जो होता है वो 100 को बेस मान कर लिया जाता है। अब चलो इसके हम एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे हमने एग्जांपल लिया 88 × 94। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों 100 से छोटे हैं तो आपको 100 − 88 करना है तो आपका हो जाएगा 12। इसको माइनस करके 12 आएगा और 94 करेंगे तो आपका आएगा 6। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 6 = 72। अब आपको क्या करना है, या तो 94 में से 12 माइनस कर दीजिए या फिर 88 में से 6 माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो जब 88 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 82, या फिर 94 में से 12 माइनस करते तो आंसर आता 82। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8272। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब जो नंबर होगा वो 100 से बड़ा होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 106 × 112, तो यहाँ पे भी हमें यही करना, 100 हमने बेस ले लिया। अब देखना है कि ये नंबर कितना बड़ा है, तो ये +6 बड़ा है जबकि ये +12 बड़ा है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 6 = 72। अब या तो 106 में 12 ऐड कर दीजिए या फिर 112 में 6 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 118। तो जब 106 × 112 किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 11872। तो ये बहुत इजी मेथड है जब जो नंबर होता है 100 के नियर बाय होता है। टाइप 3 में क्या होता है, ये भी 100 बेस पे ही है बट इसमें एक नंबर 100 से छोटा होगा जबकि दूसरा नंबर 100 से बड़ा होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। बाय द वे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सबसे पहले और डिजिट है हमारा 96 एंड सेकंड वन इज 104। आप दोनों आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 100 को ही बेस मान लीजिए। अब ये -4 छोटा है जबकि ये +4 बड़ा है। इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है कि सेम हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 × 4 = −16 बट आपको जैसे हम इसको लिख लेते थे डायरेक्ट यहाँ पे वो नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, सेम वही मेथड अप्लाई करना है, या तो इसको माइनस कर दीजिए या फिर प्लस कर दीजिए, आंसर दोनों ही कंडीशन में 100 आएगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें 2 0 ऐड कर लेने होते हैं और उसमें से हमें ये −16 सब्सट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है। तब हमें बस इसमें ये चेंजेस करना है कि हमें इस 16 को डायरेक्ट यहाँ ना लिख के यहाँ पे 2 0 में से माइनस करना होता है। तो इसका आंसर जो आएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 8 9 & 9। तो जब हम 96 और 104 104 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसका आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड।